जबकि 10 से 15 दिन में मेरा ये 10 से 15 दिन में मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। जबकि आप खुद ही कहते हैं जैसे कि कुछ दिन पहले ही पीआरटी से मतलब कि बीएड वाला को हटा दिया गया, तो वहाँ पर क्या बोला गया कि एनसीटी का भाई गाइडलाइन से हटा दिया गया। तो साहब यहाँ पर भी तो एनसीटी क्या कहती है, एनसीटी कहती है कि अगर आप एक दिन भी एडमिशन लिया हो गया तो आप मतलब कि पात्रता परीक्षा में भागी बन सकते हैं, मतलब पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी नौकरी नहीं पाओ रोड पे उतरो लाठी खाओ। बीपीएससी ने अभी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया, हम लोग तारीफ करते हैं हर जगह। अगर एसटीटी भी इस तरह से कर दे स्टूडेंट के साथ न्याय करे बीएससी भी और शिक्षा विभाग, तो हम लोग इनकी भी तारीफ करेंगे। जब उनके घर के ही विद्यार्थी खुश नहीं होंगे तो वो बाहर को क्या खुशी दे पाएंगे, पहले अपने राज्य के विद्यार्थियों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें बिहार में स्टूडेंट जब जब सड़कों पर उतरते हैं बिहार सरकार की कुर्सी हिला देते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और लगातार जो है स्टूडेंट को सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी हर छोटी मांगों को लेकर। तो पहले आप ये बताइए कि आपकी मांग क्या है, क्योंकि सरकार को मुझे लगता है आप लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे फिर भी सरकार नहीं सुन पा रही है। एसटीईटी 2023 का जो फॉर्म आया है उसमें अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया है, और जो व्यवस्था सीटेट में है, जबकि एनसीटी का भी गाइडलाइन है 4 अगस्त 2022 का नोटिफिकेशन एनसीटी का कि अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कोई एडमिशन ले लिया तो उसको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते, और सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें जो बीएड में भी एडमिशन लिए वो भी फॉर्म भरते हैं, अपियरिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं। एसटीईटी 2011 के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ के लिए 19 के बाद, यानी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 12 साल बाद, कुछ के लिए 4 साल के बाद आया, आगे आएगा किसी को नहीं पता। फिर भी यहाँ मौका नहीं दिया गया अपियरिंग में। शिक्षक बहाली बिहार में चल रही है 1,70,000 सीटों पे, सरकार को धन्यवाद देते कि इतने बड़े पैमाने पे आप वैकेंसी निकाले और बहाली कर रहे हैं इसके लिए, उसमें आपने अपियरिंग में मौका दिया, फिर यहाँ क्यों नहीं अपियरिंग में मौका दिया रहे? वो नौकरी वहाँ मिलेगा, यहाँ पात्रता परीक्षा है। तो एसटीईटी 2023 में हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अपियरिंग में मौका दीजिए फॉर्म भरने का एसटीईटी 2023 में, और 20 दिन 25 दिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ाइए, क्योंकि 9 से 23 अगस्त तक फॉर्म भरने का डेट था और 24 तारीख से परीक्षा शुरू थी शिक्षक बहाली का, तो लोग फॉर्म भरे या एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का या फिर एग्जाम देने जाए, और अभी जो पेमेंट कर दिए रजिस्ट्रेशन कर लिए उन्हीं के लिए 2-3 दिन बढ़ाया गया, 4 दिन बढ़ाया गया। बिहार सरकार वाहवाही लूट रही है कि दूसरे राज्यों के जो छात्र है वो यहाँ आ रहे और बिहार में नौकरी पा रहे और बिहार के लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए सरकार क्या कर रही है हम तो बता ही रहे हैं, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे। 1,70,000 पे उन्होंने वैकेंसी निकाला उनके लिए हम तारीफ कर रहे हैं, सरकार की धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एसटीईटी का फॉर्म आया तो इसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स को। आगे जब आप वैकेंसी निकालिए शिक्षक बहाली के लिए तो उसमें फिर अभ्यर्थी नहीं होंगे, जैसे अभी चल रहा है ना 9th 10th 11th 12th के लिए कह रहे हैं कि भाई कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं करेगा, पहले शिक्षा मंत्री बोले कि बिहार में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो बिहार से बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, तो अभी आप बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रहे हैं ना, अभी मौका दीजिए। ये लोग तो कह रहे हैं सिर्फ कि फॉर्म भरने का मौका दीजिए, नौकरी कहाँ कर रहे हैं कि आप दे दीजिए, अभी फॉर्म भरने का मौका दीजिए, जब ये पास करेंगे एसटीईटी पास करेंगे फिर आप वैकेंसी निकालेगा उसको पास करेंगे तब आप नौकरी दीजिएगा ना। जब आप शिक्षक बहाली में अभी आपने मौका दिया अपियरिंग में, तो फिर यहाँ पात्रता परीक्षा में क्या दिक्कत है मौका देने में? हम लोग तो सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए। तो सरकार तो सीट के अनुसार ही फॉर्म भरने का मौका देगी ना, इसमें सीट का कोई जिक्र नहीं है। एसटीईटी 2023 ये पात्रता परीक्षा है, इसमें लाखों लोग पास हो सकते हैं, करोड़ों लोग पास हो सकते हैं, जितना लोग फॉर्म भरेंगे जो क्राइटेरिया तय है उतना मार्क्स लाएंगे, उससे ऊपर लाएंगे सभी लोग पास करेंगे। तो क्या सरकार की मंशा बिहार वासियों को जो है नौकरी देना नहीं है या फिर अपेयरिंग में भी मतलब एग्जाम देना ही नहीं उनका? देखिए सरकार की मंशा क्या है तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा और बीएससीबी के अधिकारियों की मंशा स्पष्ट है कि बिहार के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से रोक दो, एसटीईटी का फॉर्म भरने से, ये तो साफ दिख रहा है, नहीं तो इनको क्या दिक्कत है? एक सप्ताह भी आप समय दे दीजिए, अपेयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगा, आपकी तारीफ होगी हर जगह। बीपीएससी ने अभी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया, हम लोग तारीफ करते हैं हर जगह। अगर एसटीईटी भी इस तरह से कर दे स्टूडेंट के साथ
न्याय करे बीएससीबी और शिक्षा विभाग, तो हम लोग इनकी भी तारीफ करेंगे। तो आपने सरकार से बात की इस मुद्दे को लेकर? सरकार के कोई भी लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अभ्यर्थी बार बार बीएससीबी जाते हैं, वहाँ से उनको भेज दिया जाता है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। जब से नोटिफिकेशन आया तब से अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, हम भी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो आपने के पाठक से बात नहीं की, क्योंकि के पाठक तो लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने की कोशिश में लगे हैं। वो तो अधिकतर फील्ड में रहते हैं, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाते, शिक्षा विभाग भी मिलते ही नहीं है, नहीं मिल पाते हैं। जाते हैं तो वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं वो क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है कि हाँ है ही नहीं वो शिक्षा विभाग। उनका कहना है कि मतलब उनका सीधा नीति है कि स्टूडेंट को कुछ करना ही नहीं है, इस विभाग में आए तो उस विभाग का ये मामला, वहाँ जाओ, वहाँ गए तो वहाँ जाओ। मतलब मैम सिंपल कहना है कि जब सीटेट साल में दो बार लेती है तो एस्टेट को देने में क्या मतलब नुकसान हो रहा है? जहाँ तक बिहार के युवा आगे ही बढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनका मतलब परिवार आगे नेक्स्ट जनरेशन सही होगा, समाज सही होगा, बिहार का आगे भविष्य सुधरेगा, तो इसमें मौका मिलना चाहिए, इसमें जायज है इनका मांग। हम लोग का जो भी मांग है, रिजल्ट के बाकी है। हम लोग का जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 21-23 के सेशन है उसमें हम लोग का फाइनल एग्जाम हो गया है 7 अगस्त को, और हम लोग रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं। लगभग 5-10 दिन में रिजल्ट भी हम लोग का आ जाएगा। तो मैम हम लोग को सिर्फ रिजल्ट नहीं आया है, इस सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और मेरे दिक्कत नहीं, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो अदर स्टेट के फॉर्म, अदर स्टेट के बस इसमें फॉर्म भर देंगे और उन लोग को हो जाएगा, हम लोग को हो भी नहीं पाएगा, और बोलेंगे शिक्षा मंत्री कि यहाँ के जो विद्यार्थी मिल ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग को ये दिक्कत भी हो रही है। नहीं, और मेन बात यह है कि हमारे आधे का हो गया, सरकार दूसरे राज्यों के लिए वावाई लूट रही कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आ रहे नौकरी पा रहे हैं और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से सड़क पे हैं। जब उनके घर के ही विद्यार्थी खुश नहीं होंगे तो वो बाहर को क्या खुशी दे पाएंगे? पहले अपने राज्य के विद्यार्थियों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए और हम लोगों को मौका देना चाहिए। हमारी बस यही गलती है। नीतीश कुमार का स्पेशली लड़कियों के लिए बड़ा दावा रहता है कि लड़कियों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत भी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी नौकरी नहीं पाओ रोड पे उतरो लाठी खाओ, बस यही करना होगा। और अगर नहीं देंगे तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आप देखे होंगे पटना में एक बैनर लगा होगा कि बिहार में आगे बढ़ रही है बेटियां, नीतीश कुमार का उसमें पोस्टर लगा है। क्या कहेंगी, बिहार में आगे बढ़ रही है बेटियां? पता नहीं बेटियां कितना बढ़ रही है, लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो हम लोग को तो बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सी बेटियां बढ़ रही है, हम लोग भी तो बेटियां हैं लेकिन हमें तो बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं इसके बाद स्टेट की वैकेंसी कितने सालों के बाद आएगी, उस वक्त तक हम लोग पढ़ाई मन से फिर कर पाएंगे? 10 साल बाद कोई किसी को नहीं पता, क्योंकि हर समय हर वक्त वही क्षमता नहीं होता है, तो कर पाएंगे कि नहीं पता। तो जिस वक्त हमारी क्षमता है हम अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं, उस समय आप हमें वंचित रख रहे हैं और फिर बाद में हमें मौका देंगे तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सरकार अपेयरिंग का भी मौका नहीं देती, तो क्या बिहार सरकार नौकरी देगी आगे चलकर? अब ये सरकार की मंशा तो साफ नहीं लग रही है, साफ होती तो अपेयरिंग का मौका जरूर देती, क्योंकि हम लोग सरकार से कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो काम करती है और उसी के अनुसार हम लोगों को ये मौका देना चाहिए। उसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विद्यार्थी बीएड में एक बार भी एडमिशन ले लेता है तो उसे किसी भी पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सरकार आगे आकर ये बताए कि हमें किस आधार पे वंचित रख रही है। जबकि देखिए मगध यूनिवर्सिटी का ये मेरा फाइनल मतलब एडमिट कार्ड है, सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ है, 7-8 का मेरा फाइनल हो गया है, जबकि 10 से 15 दिन में मेरा ये 10 से 15 दिन में मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। जबकि आप खुद ही कहते हैं जैसे कि कुछ दिन पहले ही पीआरटी से मतलब कि बीएड वाला को हटा दिया गया, तो वहाँ पर क्या बोला गया कि एनसीटी का भाई गाइडलाइन से हटा दिया गया। तो साहेब यहाँ पर भी तो एनसीटी क्या कहती है? एनसीटी कहती है कि अगर आप एक दिन भी अगर एडमिशन लिया हो गया तो आप मतलब कि पात्रता परीक्षा में भागी बन सकते हैं, मतलब पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। तो जब सीटेट दे सकती है मतलब उसमें अपेयरिंग का मौका है, जबकि साल में 2 बार जुलाई में और दिसंबर में ये मतलब कि है जून और दिसंबर मतलब अगस्त में दे सकते हैं। जबकि आप स्टेट ला रहे हैं 4 साल के बाद 10 साल के बाद,
उसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरा यूनिवर्सिटी ये 10 से 15 दिन में रिजल्ट दे रहा है। क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं मौका दे रही है आप लोगों को? आप शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है काबिल शिक्षक ही नहीं है। जी काबिल शिक्षक कहाँ मिलेगा साहब, कहाँ से मिलेगा? आप मौका तो एक बार देके देखिए। आप 10 साल के बाद 5 साल के बाद आप ले रहे हैं पात्रता परीक्षा, तो उसमें आपको कहाँ से मिलेगा? आप कंटिन्यूस रखते तब ना जी। सीटेट की तरह देखिए, सीटेट में हर एक 6 महीना पर साल भर पर लेता था, उसमें देखिए हजारों लाखों, आपको बता दें कि पूरे भारत वर्ष में 5 लाख पिछले बार पास हुआ है सीटेट, बिहार में खाली मतलब 6 महीना साल भर पर होते रहता है, तो इतना सा है। तो आप परीक्षा एक बार लीजिएगा तब ना, मौका दीजिएगा तब ना, आप रेस में दौड़ने के लिए हमको दीजिएगा तब ना, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीतेंगे कि पहले ही हार गए? आप तो हमको पहले ही रेस से हटा दिए हैं। तो इस चीज को लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर हम सबको सीटेड एस्टेट में हम सबको बीएड वाला वो अपेयरिंग में मौका दिया जाए। जबकि आपको हम बता दें कि यूनिवर्सिटी जो भी, जबकि मेरा मैं हम लोग जो यहाँ पे गांधी मैदान में स्टेट का छात्र जो हम लोग बीएड का छात्र जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो हम उनके अपने दर्द को एक गाने के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, सरकार से हम लोग यही कहते हैं कि हम बीएड वालों की मनसा, अरे हम बीएड वालों की मनसा सुन लो मेरे सरकार, हो जाएंगे बेरोजगार, अरे हो जाएंगे बेरोजगार, अरे हमको एस्टेट में मौका, अरे हम सबको एस्टेट में मौका दे दो मेरे सरकार, हो जाएंगे बेरोजगार, अरे हो जाएंगे बेरोजगार। सरकार अगर मेरी दर्द को आपके अंदर, अगर मेरा दर्द को आपके अंदर लग रही है मेरी बात को, तो कृपया हम सभी छात्र को दर्द को समझे और इस एस्टेट में मौका देने का कष्ट करेंगे। ये गाना आपने अभी अभी बनाया? अभी मैंने जितना भी गाना गा रहा हूँ सिर्फ अभी, और अभी एक एक मिनट में सोच रहा हूँ और अपने दर्द को एक गाने के माध्यम से बता रहा हूँ, और यही है मेरी सरकार से मांग, हम लोग को मांग पूरा करें। तो देख सकते हैं कुछ जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित होकर सरकार से मांग कर रहे हैं, तो कुछ गाने गाकर और अपने अलग अलग अनोखे अंदाज में जो है सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे कि एसटीईटी अपेयरिंग में सिर्फ उन्हें मौका मिले, बाकी जो मैदान में रेस का घोड़ा है उन्हें खुद ही दौड़ना है, लेकिन सरकार से दौड़ने का जो है उन्हें मौका दे। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।